तो आज अपनी कैंपिंग होने वाली है। घूमने ला ही ना। हाँ यो, बड़े लंबे टाइम के बाद आपको मिलने वाला है। ठीक है, ओके। कैंपिंग होने वाली है भेड़ पालकों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए कैंपिंग ब्लॉग पे। और दोस्तों, आज अपनी कैंपिंग होने वाली है फिर से एक बार सैफर्ट लोगों के साथ। बाकी अभी टाइम से टेंट पिच करते हैं और देखिए कितनी बढ़िया धूप लगी हुई है पीछे। सबसे पहले टेंट पिच करते हैं, उसके बाद मस्त करके अंकल लोगों के साथ गप सप मारेंगे। और इनकी देखिए शाम के खाने की तैयारी अभी से होने लगी है। टेंट लगाने से पहले दोस्तों और इसी जमीन की सफाई करनी भी जरूरी है, वरना एक तो टेंट के नीचे वाली लेयर खराब हो सकती है, दूसरा आराम का मामला भी है। टेंट पिच करना टाइम लैप्स में एंजॉय कीजिए, क्योंकि ना हमेशा टेंट लगना तो एक सेम प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, अभी अपना टेंट भी पिच हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर बढ़िया से मैट वैट बिछा देता हूँ और उसके बाद बैठता हूँ अंकल लोगों के साथ। फाइनली फ्रेंड्स, अपना टेंट पिच हो चुका है और सामने में देखिए एक एक करके सारे जानवर भी आने लगे। अभी घोड़े आ रहे हैं, उसके बाद बकरियाँ आएंगी। अच्छा, और इसमें सब्जी बनाया। अच्छा गजब। देखिए शाम की तैयारी होने लगी है और ये वाले अंकल ना आटा भी गोंदने लगे हैं अभी। आज बकरियां बहुत लेट आई।
बढ़िया फुलके। ये पातल तरबो बनो या मोटे तरबो? मोटे तरबो। इसको चोट लगी है, उसको ढूंढ रहे हैं ना। एक बकरी की चोट लग गई है तो उसके पाँव में। निकल गया वहाँ खाल से यहाँ। एक छोड़ा छोड़ा अभी तो छोड़ना दो वहाँ कुछ चल रहा नहीं चौड़ा कि नहीं है चौड़ा करना चौड़ा चौड़ा करो छक्का ताने में अगर पहले टांग पकड़ लाओ ना इसको पकड़ो पहले दो 20 मिनट जो से दस बस बस हमें एक बार फिर करना पड़ना है दोस्तों इस बकरी को लगी थी चोट तो अभी इसका ये प्लास्टर बनाया। अब शायद कुछ दिन लगेंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा इसका पाँव। उसका हो जाएगा पाँव ठीक हो जाता है। सेकंड लास्ट को लास्ट वो था जिसका लास्ट था वो आज फर्स्ट करेगा। देखिए तो
रुपया और सुखाना है, बहुत है, निकाल दूं। तो गर्म हो रहा सब बात वाले हैं। आप लोग मैगी भी लेना, आप ले लो। मैगी तो जबरदस्त बनी, मजा आया मैगी में, तकड़ा कूट कर खा ली। तगला कुटो कद साल बनाए खाना, छह साल खुद की थी चाइना में। एक महीना फ्री कॉल है ना, फ्री कॉल में इंडियन से नेपाल नहीं लगेगा ना भाई, नेट पैक डालेगा तब लगेगा। कल रात भाग पड़ा गया 2:30 बजे यहाँ है। हाँ हल्ला बहुत किया तुमने, कुत्ते का हुआ था है, कुत्ते का भी और आदमी का भी। हाँ आदमी का भी, कहाँ मारा है बकरी को? नहीं मारा, नहीं कल तो मारा, परसों मारा था, परसों एक बकरी मारी। कल तो हम चौकीदारी पर कर रहे थे ना, आया आदमी तो आज भी है, आया होगा कहीं इधर ही नजदीक साला। जिंदगी बहुत संघर्षमयी है वो, आप एक एक यहाँ सोता है वो। ये दालोग तो सब नए आए हैं आज, ये सब नए हैं। नहीं ये नहीं पड़ती है ना भाई। दोस्तों अभी अपना डिनर हो गया, बाकी अभी हम सारे लोग आग के पास बैठे हुए हैं। भैया लोग बता रहे हैं कि परसों यहाँ पे शेर आया था और एक बकरी को मार दिया उसने। आजकल तो जील गई जी बाबू सब ले ले ले। सो जाते। अब सब लोग जाने लग गए अपने अपनी ड्यूटी में। आज 6 लोग हैं तो 6 लोग 6 कोने संभाल लेंगे बकरियों के चारों ओर और पूरी रात निगरानी करेंगे। और देखिए इसके गले पे ये कांटे वाला पट्टा बंधा है जो इसको लेपर्ड से सेफ रखेगा। ये आवाज कर रहे हैं ताकि अगर आसपास कोई जानवर होगा तो वो दूर भाग जाए। दोस्तों बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला, ठंडा भी हो रहा है और उसी के साथ उतना ही बढ़िया डिनर भी अपना सभी लोगों का हो गया। आज का ये वीडियो बड़े लंबे टाइम के बाद आपको मिलने वाला है और फिलहाल अभी टाइम देखने के लिए मेरे पास कोई दूसरा डिवाइस अभी है नहीं, तो टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे होंगे रात के, ज़्यादा टाइम अभी हो नहीं रहा है, 8:30 और अपना डिनर हो चुका है। बाकी सारे लोग
जितनी भी बकरियां हैं उनके चारों तरफ फैल गए हैं और जगह जगह पे रेस्ट कर रहे हैं। बाकी चौकन्ने भी रहेंगे क्योंकि परसों रात में यहाँ पे लेपर्ड अटैक हुआ था। तो चलिए मैं भी अब अपना स्लीपिंग बैग निकाल देता हूँ और लेट जाता हूँ भाई। बाकी देखते हैं तब तक नींद आएगी सो जाऊँगा, अदरवाइज फ़ोन चलाएंगे बढ़िया से क्योंकि नेटवर्क है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी फाइनली मैं टेंट के अंदर आ चुका हूँ और ठंडा इतना ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे समझ नहीं आता भाई सैफर्ड लोगों की लाइफ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए अगर मौसम ख़राब नहीं है तो सारे लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं भाई। सोचिए हम लोग कैंप करते हैं, हमने ये कभी ट्राई नहीं किया। बाकी हर बार की तरह ये वाला जो मेरा जैकेट है उसको मैं बना लूँगा अपना सिराना। ये और अब घुस जाते हैं स्लीपिंग बैग के अंदर। अब सोचिए गाइस कि यार असली कैंपिंग ना, कैंपिंग क्या मतलब सरवाइव, जो रियल में जिसको सरवाइव कहते हैं वो ये लोग करते हैं, बकरी वाले लोग जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, क्योंकि ना इनका काम पूरे 12 महीने हर दिन सरवाइव करना है। कहीं से पानी की व्यवस्था करनी है, खाने पीने की व्यवस्था हमेशा अपने साथ में रखनी है, सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करनी है और रात को बकरियों का ख्याल रखना है। ये लोग अक्सर जंगलों में जाते हैं या बड़े बड़े घास के मैदान में जाते हैं, और जो अपना एरिया ना यहाँ पर लेपर्ड अटैक बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ठंडी हवा आ रही है भाई, और जो ये घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है ये है सारे घोड़े जो अगल बगल में इतनी रात में भी चर रहे हैं, चुंग रहे हैं। भाई अलग एक्सपीरियंस है और बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो अभी फिलहाल सोते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड नाइट आप सभी को। जब लगेगा मुझे ठंडा ज्यादा हो रहा है तो मैं इसका डोर क्लोज कर दूंगा। चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से देखिए एक और नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। देखिए पैकिंग चल रही है क्योंकि ये अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, आ रहे हैं सर्दियों के दिन। तो इस वक्त जो भेड़ पाल के लोग हैं ये अपनी भेड़ों को लेके बाबर की तरफ यानी कि मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नीचे की तरफ जाएंगे और मैं भी अपनी पैकिंग करता हूँ। आई होप सो कि आपको मेरा ये कैंपिंग ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक कैंपिंग ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों चलिए ठीक है, मैं भी अपनी पैकिंग करता हूँ इनके साथ साथ ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, टिल देन गुड बाय, जय श्री राम।